गुड मॉर्निंग गाइस। अरे यार इतना वाइट क्यों है, इतना ब्राइटनेस क्यों है, एक मिनट कम करता हूँ, अब ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज 7 अगस्त है। जैसे कि इससे पहले आप लोगों को बताया था कि आज नॉनवेज पार्टी होने वाला है घर में, और मैं भी जस्ट सो के उठा हूँ। मतलब सुबह 5 बजे उठा था, ATM गया, पैसा लाके दिया, उसके बाद फिर मैं सो गया और अभी उठा हूँ। एंड वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग, पार्टी वाला ब्लॉग। तो देखते हैं ये पार्टी जो हो रहा है, ये शादी वाला पार्टी हो रहा है। 15 दिन पहले मेरे बहन का शादी हुआ था, जो वेज पार्टी था, अभी नॉन वेज पार्टी हो रहा है। किस कारण से वो मैं पिछले वाला ब्लॉग में बता दिया था, नहीं देखो जाके देख लो। फिलहाल अभी का ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जाके कुछ नाश्ता पहले कर लेता हूँ, बाहर से स्ट्रीट फूड खा लेता हूँ ताकि मैं घर में कुछ काम कर सकूँ। खाना अभी फिलहाल नाश्ता नहीं बनेगा, डायरेक्ट खाना बनेगा, इसीलिए तो पहले चलते हैं। मैं खाया पोहा और हाफ प्लेट 10 था, फुल प्लेट 15 था। मैं बोला हाफ प्लेट बहुत कम दिख रहा था, 15 वाला फुल प्लेट खा लेता हूँ, और नहीं खा पाया, इतना सारा था। टेस्ट तो बहुत अच्छा था, मतलब 15 रुपये में इतना अच्छा फास्ट फूड मिले, इतना अच्छा नाश्ता मिल रहा है अपने गेस्ट हाउस के पास में, तो ज़रूर से आके यहाँ खाया कीजिए, कि बहुत अच्छा लगा। आगे पास में ये गेस्ट हाउस, तो मैं पैदल आया, नाश्ता किया, बहुत सारा काम करना है आज। तो भीड़ भाड़ देख के आप लोगों को पता चल गया है कि सब लोग आ गए हैं। पीछे देख सकते हैं आप, बहुत सारा गाड़ी स्कूटी है, इसमें मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। गाड़ी को कितना दिन से मोबिल चाहिए, मैं मोबिल नहीं डाल पा रहा हूँ। दोनों टायर चेंज करना है, टायर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, टायर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब फिलहाल अभी हवा भी कम लग रहा है, देखिए दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो टायर है ये पूरा प्लेन हो गया है, और ये फ्रंट टायर है, देख सकते हैं ये भी ख़त्म है पूरा। और इसका हवा दिखाता हूँ, पूरा दब रहा है टायर, हवा भी कम हो गई, तो पहले इसको भरना पड़ेगा तभी कुछ काम हो पाएगा आगे। आपको जान के खुशी मिलेगी, इस बार मैं खाना खाया हूँ। मैं आपको पहले ही बताया, अभी फिर बताता हूँ कि बहुत कुछ था व्लॉग में दिखाने के, लेकिन मैं नहीं दिखा पाया, बहुत कुछ शूट नहीं कर पाया। और कोई ऐसा सीन था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अच्छा बनता व्लॉग, बहुत ही झक्कास व्लॉग बनता, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इतना सारा काम होते हैं। वैसे आप जानते कि रमेश नहीं आ पाया, रमेश की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसको बोला भी नहीं, क्योंकि 2 दिन से बेचारा बेड में सोया हुआ है। कल मैं उसको गैस सिलेंडर के लिए बोला था, जो गैस सिलेंडर लेने गए थे, तो रमेश नहीं उठा पाया घर से, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वैक्सीन लिया था इसलिए बुखार हो रहा है। बाकी और कोई दोस्त है नहीं मेरा, जो भी थे सब ड्यूटी गए थे, तो इसलिए कोई दोस्त को नहीं बुला पाया। लेकिन चीज़ रिवील करता हूँ आप लोगों को, ये पहली ऐसा पार्टी जो मेरा घर का, जो मैं खाना खाया, जैसे कि नया टी शर्ट है, और ये इतना ख़राब लग रहा है ना, अभी मुझे चेंज करके आता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। 3, 2, 1 Now I'm feeling better। और खाना से याद आया, आज मैं खाना खाया हूँ, तो उसका कारण कोई नहीं, सिर्फ मेरे बहन है, जो इस बार घर में नहीं है तो मैं खाना खा पाया। इसका कोई लॉजिक तो नहीं बनता, लेकिन वो नहीं थी तो मैं खाना खा पाया। माई दिन भर घर में बंद थी रूम के अंदर, अभी निकली है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही आज़ादी मिल रहा है। देख सकते हैं कैसे बात भी नहीं सुन रही है, माई चला आ, आ। नहीं सुनेगी अब बात। इधर शादी वाला ब्लॉग चल रहा है, अभी शादी वाला ब्लॉग सब देख रहे हैं, पुराना याद वापस से याद आ रहा है। और अपना कबीर भाई क्या कर रहा है, वो इंडियन खेल रहा है, जो कि नहीं खेलना चाहिए, मैं तो नहीं खेलता। ये जो शादी का सिस्टम था ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, आज जाके ख़त्म हुआ, कि क्या पता ख़त्म हुआ नहीं और कुछ बाकी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन लगभग लग रहा है कि पार्टी तो अब ख़त्म हुआ है शादी का, 15 दिन बाद भी शादी का कुछ ताम झाम तो लगा ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ शादी आम बात नहीं होता, बहुत ही ताम झाम वाला चीज़ होता है शादी करना, तो करना है तो सोच समझ के करना, मैं तो नहीं करने वाला। बहुत बड़ा चीज़ रिवील कर दिया मैं तो आज। 5 hours later गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा सलाद बच गया। मैं बोला था कम बनाने के लिए, क्योंकि मटन बनाए तो कोई सलाद तो खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी बच गया ना माई, टेस्टी। तो मैं अभी खाना खाऊंगा अच्छा से, ऐसे खाना खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले खा लेता हूँ उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। Much later
इसका जरूरत था अभी, मतलब कि आज मैं इतना ज्यादा खा लिया हूँ कि अभी सोडा पी के अभी पेट हल्का किया जा रहा है। उसे इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मैं खाना खाया हूँ। चलिए, पार्टी जब हुआ उस वक्त मैं उतना नहीं खाया था, अभी रात को टाइम मैं अच्छा से खाया हूँ, अब मेरे लिए पार्टी से। आप लोगों को पता है कि खाना, मुझे खाना से कितना प्यार है, और मुझे कभी खाना खाने नहीं मिलता है, इस बार मिल गया। उसका रीज़न मैं आप लोगों को जो बताया उस वक्त, वो सिर्फ एक जोक था, जोक में ही लेना उसे। एटी का प्रॉब्लम मुझे पता है, मैं आधा फेस में अधिक आधा रेडी का, तो इग्नोर करेंगे। पंखा का साउंड आ रहा है तो इसे इग्नोर करेंगे, मैं अभी पंखा बंद नहीं कर सकता। बहुत सारा रीज़न ऐसे ब्लॉगिंग करने के लिए जो मुझे टेंशन होता है, बस यही कारण था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, कि इतना मुश्किल से एक ब्लॉग बनता है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है ब्लॉग को लाइक करना, यहाँ तक देखिए जरूर वीडियो को लाइक करना। तो आज एक खुशी का दिन है, अब पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, एक और खुशी का दिन है। सिर्फ पहले नहीं, हम सबके लिए, हम सब इंडियंस के लिए खुशी का दिन है। हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है, और यहाँ पे अपने इंडिया के नीरज चोपड़ा, जो हमारे देश का नाम बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं, जेवलिन थ्रो में ये मेडल ले चुके हैं। इससे मैं सिर्फ एक वर्ड ही कहूँगा, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। और ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये वाइड एंगल है, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मतलब पूरा फुल स्क्रीन आता है, मतलब बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर अच्छा लग रहा है जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे ही वाइड एंगल में ही ब्लॉग बनाऊंगा। तो बस आज का तामझाम यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत थका हूं तो अब सोता हूं, खाना खा लिया तो अब नींद आ रहा है। थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नया के साथ, फिल्म लेके चलते चलते, बाय। तो करना है तो सोच समझ ये करना, मैं तो नहीं करने वाला, बहुत बड़ा चीज रिवील कर दिया मैं तो आज। Hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in a mood for a change up. I leave the city and return with my change up.